हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम के अंदर। आज जो हम टॉपिक लर्न करने वाले हैं वो रहेंगे हमारे पास, द फर्स्ट वन इज द पीएच स्केल एंड द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड बेसिस। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास कई बार एग्जाम के अंदर आस्क किए जाते हैं। तो फर्स्ट देखो बेटा, पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल एक मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस है, कि पीएच स्केल के थ्रू हम किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ या बेस की बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं, कि भाई कोई एसिड कितना एसिडिक है, कोई बेस कितना बेसिक है, इसे मेजर कर सकते हैं। अब कैसे मेजर करेंगे, तो पीएच स्केल में जनरली हम ये देखते हैं कि उसके अंदर जो एक्सप्रेस आयन की कंसेंट्रेशन है उसका अगर हम नेगेटिव लॉगरिथम एट बेस 10 फाइंड आउट करें तो हमारे पास उसकी पीएच आ जाती है, या कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, पीएच। एसिड के लिए जो ये वैल्यू है वो लोअर आनी चाहिए, बेस के लिए वैल्यू हाई आनी चाहिए। ओके, तो देख लेते हैं। द टर्म पीएच वाज गिवन बाय फर्स्ट ऑफ ऑल सोरेनसन साइंटिस्ट ने इसको दिया था। पीएच डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, मींस नेगेटिव लॉगरिथम, ये लॉग बेस 10, तो यहां पे 10 किसका कंसेंट्रेशन, एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन, तो दिस एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन, और इसी को हम क्या बोलेंगे, पी पोटांस और कैपिटल एच। पी मीन्स लैटिन में इसका मीनिंग रहता है पोटांस, तो इसलिए हम बोलते हैं पी और एच। ओके, तो पी एच आपका रह गया इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस। अब एसिडिक सॉल्यूशन के लिए जो पी एच की वैल्यू है वो लेस देन 7 होगी, तो दिस वन इज द लेस देन 7। बेसिक सॉल्यूशन के लिए पी एच ग्रेटर देन 7, और न्यूट्रल के लिए जो पी एच है वो इक्वल टू 7 होगी, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए इक्वल टू 7। तो पीएच वैल्यू जब भी आप सॉल्यूशन को हिट करोगे, तो सॉल्यूशन को जब आप हिट करते हो, सॉल्यूशन को जब आप हिट करोगे तो होता क्या है आपके पास, अगर आप इसको हिट कर रहे हो तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन आपका इंक्रीज होता है, और जब भी H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा आपके पास, पीएच की वैल्यू डिक्रीज होगी। इसलिए लिखा हुआ है कि द पीएच वैल्यू डिक्रीजेज ऑन हीटिंग द सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि हीट करने पे ज्यादा आयन्स बनते हैं आपके पास, एच प्लस आयन ज्यादा बनेंगे, उस कंडीशन में उसकी पीएच ओवरऑल डिक्रीज होगी। अब आपके पास क्या है नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके एग्जाम के लिए, आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड बेस, और आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड बेस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वीक एसिड, हम क्या लेते हैं वीक एसिड, जो भी वीक एसिड है या वीक बेस है उन्हीं के डिसोसिएशन से हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट जनरेट होता है। कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के डिसोसिएशन से इक्विलिब्रियम स्टेट जनरेट नहीं होगा, तो माइंड में फिट कर लेना। कंसिडर ए वीक एसिड HX, अब HX की जगह कुछ भी हो सकता है, लाइक HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, या अदर देन कोई भी एसिड बेस हो सकता है। तो HX आपका इन एक्वस कंडीशन प्लस H2O के अंदर हम डिजोल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम कंडीशन जनरेट होगी, बनेगा क्या, H3O+ इन एक्वस एंड X- इन एक्वस। अब इनिशियली हम ये एज्यूम करें कि इनिशियल टाइम में कंसेंट्रेशन कितना है हमारे पास, HX का कंसेंट्रेशन C है इन मोल के अंदर। ओके, तो उस कंडीशन में इसका कोई भी पोर्शन डिसोसिएट नहीं होगा, कोई भी पोर्शन आयोनाइज नहीं होगा, तो मीन्स H2O का भी कंसेंट्रेशन क्या रहेगा, H2O तो एक्सेस के अंदर है वाटर में, इसका कंसेंट्रेशन अभी डिटरमाइन नहीं करना, H2O के अंदर अभी जब हमने इसको डाला इनिशियली तो किसी भी टाइप का आयोनाइजेशन परफॉर्म नहीं हुआ, तो उस टाइम में H3O+ का कंसेंट्रेशन जीरो रहेगा और X- का कंसेंट्रेशन जीरो रहेगा। बट आफ्टर दिस सम टाइम टी, यानी कुछ टाइम टी के बाद क्या होगा, सम पोर्शन ऑफ द HX आपका वाटर में डिसोसिएट होगा। ओके, सारे नहीं बट सम, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लाइक 100 मॉलिक्यूल है, 100 HX मॉलिक्यूल में से 5 HX मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, तो कितने H3O+ बनेंगे, जितने मॉलिक्यूल HX के डिसोसिएट होंगे उतने ही आयन्स आपके H3O+ के बनेंगे और सेम आयन्स आपके X- के बनेंगे। ये मोलर कंसेप्ट के ऊपर, मोल कंसेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई अगर आपके पास कोई AB मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो AB के टूटने के बाद क्या बनेगा, A और B बनेगा, अगर 5 AB है और 5 AB को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो 5 A बनेंगे और 5 ही B बनेंगे। तो इसी टाइप से ये है
कि HX का अगर आपका C अल्फा पार्ट डिसोसिएट होता है तो आपके पास H3O+ के भी C अल्फा बनेंगे और X नेगेटिव के भी C अल्फा बनेंगे। तो इस लाइन को समझने में काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसे समझने में बच्चों को काफी दिक्कत हो रही है, तो प्लीज इसे इंपॉर्टेंटली आप अंडरस्टैंड कीजिए कि एट इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन क्या रहेगा आपके पास, C जो इनिशियल था उसमें से C अल्फा पोर्शन C अल्फा आपका ब्रेक डाउन हो गया, तो भाई HX में तो C अल्फा आपको नेगेटिव करना पड़ेगा, बट H3O+ में C अल्फा बन गए तो यहाँ पे C अल्फा आपको रिप्रेजेंट करना है, और इतने ही आपके अमाउंट के अंदर X नेगेटिव आयंस भी बने तो ये भी रहेगा आपका C अल्फा। तो मीन्स आपके पास प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन आ गया और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन आ गए, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चूंकि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एसिड वीक एसिड के डिसोसिएशन के लिए फाइंड कर रहे हैं, इसलिए K के साथ हम सब स्क्रिप्ट यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं K A, तो K A इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो कौन कौन है दिस एंड दिस, तो इसकी कंसेंट्रेशन कितने सी अल्फा इंटू सी अल्फा, तो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के साइड में कौन एच एक्स और इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है सी माइनस सी अल्फा, तो लिखा मैंने नीचे सी माइनस सी अल्फा, सी कॉमन सी कॉमन तो ब्रैकेट में आएगा वन माइनस अल्फा और ऊपर क्या होगा सी इंटू सी सी स्क्वायर अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, तो दिस सी से दिस स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास जनरली क्या आएगा के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, ये आया आपके पास वीक एसिड के लिए, वीक एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट आपके पास हमने यहाँ पे देखा। ओके अब अगर मैं के ए का भी नेगेटिव लॉग रिथम लू मीन्स नेगेटिव लॉग रिथम एट बेस 10 ऑफ के ए, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी मैं बोलूंगा उसको पी के ए, क्या बोलूंगा पी के, तो यही है पी के क्या होगा माइनस नेगेटिव मीन्स नेगेटिव लॉग रिथम ऑफ के ए। ओके लार्जर द वैल्यू ऑफ के ए मीन्स स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, अगर आपका के की वैल्यू लार्ज है तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मीन्स वो ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, एंड इन केस ऑफ वीक एसिड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू क्या होगा वेरी स्मॉल रहेगा, केस ऑफ वीक एसिड डिसोसिएशन क्या होगा स्मॉल मीन्स अगर आपके पास 100 नंबर ऑफ एटम आपके रिएक्टेंट के तो हो सकता है सिर्फ उसका 1% ही डिसोसिएट हो, तो 100 की तुलना में 1% आपका स्मॉल है, तो हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि जो 1 माइनस अल्फा जो पोर्शन है वो हम इसे 1 के बराबर ले सकते हैं, 1 माइनस अल्फा अल्फा आपका लेस देन लाइक 0.01 होगा या 0.002 है, तो उस कंडीशन में 1 में से 0.01 या 0.02 अगर आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो वैल्यू के अंदर कोई ज्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं आएगा, इसलिए हम 1 के बराबर उसको अगर हम ले गए मीन्स 1 माइनस अल्फा को अगर हम 1 के बराबर ले गए तो K की वैल्यू क्या आ गई K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 मीन्स K A इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ओके सी अल्फा स्क्वायर, अब अगर मुझे अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पहले C को लेफ्ट साइड मुझे सेंड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा के ए अपॉन सी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, देन आपको मुझे दोनों साइड अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो अगर मैं दोनों साइड अंडर रूट यहाँ पे लू तो मेरे पास क्या होगा राइट साइड में अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के ए अपॉन सी, अंडर रूट के ए अपॉन सी, सी क्या है इनिशियल इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, तो ये रहा किसके लिए एसिड के लिए, अभी हमने आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन के बारे में स्टडी की और एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट हमने देखा, अब हम देखते हैं बेस के लिए, अब देखते हैं बेस के लिए, तो लाइक दिस वन हमारे पास है ऊपर बेस। ओके तो आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस, तो आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस अगर हम परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हमें एक वीक बेस चाहिए, द इक्वेशन फॉर आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस लाइक बेस क्या रहेगा जो आपका OH नेगेटिव डोनेट करे, तो हम लेंगे मेटल M एंड देन OH, तो MOH इन एक्वेस कंडीशन आपके पास क्या बन गया M प्लस एक्वेस प्लस OH नेगेटिव इन एक्वेस, इनिशियल कंडीशन में कंसेंट्रेशन ऑफ MOH कितना है कैपिटल C, तो उस कंडीशन में कोई भी डिसोसिएशन नहीं हुआ तो M प्लस का कंसेंट्रेशन जीरो और OH नेगेटिव का कंसेंट्रेशन जीरो, बट आफ्टर टाइम T आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम आपका
जनरेट होगा और इस कंडीशन में कंसेंट्रेशन क्या रहेगा, सी माइनस सी अल्फा, और इसमें से अगर सी कॉमन ले लो तो 1 माइनस अल्फा भी इसे लिख सकते हो। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे लिखा है सी ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा, तो जो सी अल्फा पार्ट इसका डिसोसिएट हुआ बेस का, उतना ही पार्ट आपको एम प्लस आयन बनेंगे और उतने ही पार्ट में आपके पास OH नेगेटिव आयन बनेंगे। तो यहाँ पे आपके पास रहेगा सी अल्फा एम प्लस आयन एंड सी अल्फा OH नेगेटिव आयन। अब इस इक्विलिब्रियम सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, के, और यहाँ पे सब स्क्रिप्ट हम लगाएंगे बी, मीन्स के बी, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में कौन है एम प्लस और ओ एच माइनस, तो इसका कंसेंट्रेशन क्या है, ये लिख रहा है कंसेंट्रेशन ऑफ बी प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव। अगर हमारे पास इस टाइप से कोई रिएक्शन होती बी ओ एच और इक्विलिब्रियम जनरेट होता तो हमको बनता है बी प्लस एन प्लस ओ एच नेगेटिव। इसके लिए ये फॉर्मूला है, बट इनके लिए आपके पास मीन्स ये क्या बताना चाहता है ओवरऑल कि भाई प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, तो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन क्या है हमारे केस में सी अल्फा इंटू सी अल्फा, तो सी अल्फा इंटू सी अल्फा, और रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन सी इंटू वन माइनस अल्फा, तो अपॉन सी इंटू वन माइनस अल्फा, तो दिस सी से सी कैंसिल मीन्स अल्फा स्क्वायर इंटू सी, या फिर सी अल्फा स्क्वायर ऊपर रहेगा अपॉन वन माइनस अल्फा नीचे रहेगा। तो इन द केस ऑफ वीक बेस, अगर आपका बेस वीक है तो काफी स्मॉल अमाउंट ऑफ द अल्फा आपका रहेगा, मींस बहुत ही कम मात्रा में बेस का कुछ पोर्शन आपका डिसोसिएट होगा, हो सकता है वो 0.01 हो या हो सकता है 0.001 हो, तो उस कंडीशन में आप 1 माइनस अल्फा को किसके बराबर ले सकते हो 1 के बराबर, तो के बी की वैल्यू क्या आएगी सी अल्फा स्क्वायर। उसी टाइप से जैसे एसिड के लिए मैंने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की थी, उसी टाइप से हम बेस के लिए अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इंप्लाइज के बी अपॉन सी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंप्लाइज अंडर रूट के बी अपॉन सी इक्वल टू अल्फा, और ये अल्फा की वैल्यू आ गई अंडर रूट के बी अपॉन सी। इसी टाइप से हम ये भी ले सकते हैं, अगर मैं इसका नेगेटिव लॉग लिथम एट बेस 10 किसका लू के बी का लू, तो मैं इसको बोलूंगा पी के बी, क्या बोलूंगा मैं इसको पी के बी मैं इसको बोल सकता हूं। तो यही है पी के बी मीन्स नेगेटिव लॉग लिथम ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑफ बेस, ओके नेगेटिव लॉग लिथम ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑफ बेस। अब इन दोनों के अंदर रिलेशनशिप क्या होता है, जनरली के ए और के बी का एक बहुत ही फेमस रिलेशनशिप है कि के ए को के बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा के डब्ल्यू। के डब्ल्यू क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, व्हाट इज द के डब्ल्यू, इसको हमने पहले ही पढ़ चुके हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो हमेशा याद रखिए फॉर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर एसिड मल्टीप्लाइड बाई इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर बेस इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है। और अगर इन दोनों का मैं पी के और पी के बी वैल्यू को मैं ऐड करूं तो ये आपका इक्वल आएगा 14 के, जो कि पी के डब्ल्यू के बराबर होता है। तो पी के ए प्लस पी के बी इक्वल टू पी के डब्ल्यू, और ये रहता है आपका 14 एट 298 केल्विन टेम्परेचर, ओके। तो ये ओवरऑल था आपका डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड एंड बेस और आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड बेस, उसके बारे में ये पूरा अभी तक हमने टॉपिक कवर किया। अब हमारे पास पॉली बेसिक एसिड एंड पॉली एसिडिक बेस, देखिए पॉली मीन्स मोर देन वन, ओके, तो ऐसे एसिड जिसके अंदर मोर देन वन एच प्लस आयन्स है या मोर देन वन प्रोटॉन प्रेजेंट है वो आपके कहलाएंगे पॉली बेसिक एसिड, और ऐसे बेसिस जिनके अंदर मोर देन वन ओ एच नेगेटिव आयन प्रेजेंट है या जो मोर देन वन ओ एच नेगेटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर गिव कर सकते हैं वो कहलाएंगे आपके पॉली एसिडिक बेस, ओके। एसिड है तो उसके आगे लगेगा पॉली बेसिक, और अगर वो बेस है तो उसके आगे लगेगा पॉली एसिडिक, ओके। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, पहले इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं टॉपिक को, पॉली बेसिक एसिड एंड सेकेंड वन है हमारे पास पॉली एसिडिक बेस। तो क्या है, द एसिड विच हैव मोर देन वन आयोनाइजेबल प्रोटॉन, जो जितने प्रोटॉन को या एच प्लस आयन को वो गिव कर सकता है उनको हम बोल सकते हैं आयोनाइजेबल प्रोटॉन, जो जो वाटर के साथ मिक्स होने पर वाटर में ट्रांसफर हो जाते हैं तो उसे कहेंगे आयोनाइजेबल प्रोटॉन। पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड आर कॉल्ड पॉली बेसिक और पॉलीप्रोटिक एसिड, और सेकेंड हमारे पास रहता है the base which have more than one ionizable OH negative ion per molecule of the base are called polybasic polyacidic base polyacidic base। अब सिंपली पहले हम स्टडी करते हैं पॉली बेसिक एसिड के बारे में। अगर कोई
एसिड पॉलीबेसिक है, मीन्स इसमें मोर देन वन अयोनाइजेबल एच प्लस है, और ये एच प्लस स्टेप वाइज मैनर में सॉल्यूशन को डोनेट करता जाएगा, एक साथ सारे के सारे अयोनाइजेबल प्रोटीन डोनेट नहीं करेगा, ये अयोनाइज नहीं करेगा, ये स्टेप वाइज मैनर के अंदर अपने प्रोटॉन को सॉल्यूशन के अंदर डोनेट करेगा। दिस एसिड अंडरगो कंप्लीट आयोनाइजेशन इन सेवरल स्टेप, ओके, सिंगल स्टेप में सारे के सारे प्रोटॉन नहीं एमिट करेगा या सारे के सारे प्रोटॉन सॉल्यूशन को प्रोवाइड नहीं करेगा, स्टेप वाइज मैनर में करेगा। द नंबर ऑफ स्टेप इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं HCl की बात करूं तो इसमें सिर्फ एक H ही प्रेजेंट है, तो एक स्टेप में इसको डिसोसिएट करेगा, बट मैं H2SO4 की बात करूं तो इसमें दो हाइड्रोजन या प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो मीन से टू स्टेप के अंदर दोनों प्रोटॉन को सॉल्यूशन के अंदर गिव अप करेगा। अगर मैं फास्फोरिक एसिड की बात करूं H3PO4, तो इसमें थ्री प्रोटॉन है और ये थ्री स्टेप के अंदर H को आपके सॉल्यूशन के अंदर या एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर गिव करेंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लाइक H3PO4 इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन थ्री स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, H3PO4 इक्विलिब्रियम स्टेट जनरेट होगी विद द H+ H2PO4 नेगेटिव, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K1। अब सेकंड स्टेप में जो आपका बना ये नेगेटिवली चार्ज आयन H2PO4 नेगेटिव, ये डिसोसिएट होगा आपका विद द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 H+ H2PO4 नेगेटिव, देन आफ्टर HPO42 नेगेटिव आपका डिसोसिएट होगा H+ PO43 नेगेटिव में, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K3। अब हो क्या रहा है कि जैसे जैसे ये एक H+ डोनेट करता जा रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई हो रहा है, लाइक पहला H+ देने पे इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई होगा। अब नेगेटिव चार्ज आने के कारण जो सेकेंड H+ डोनेट करने की टेंडेंसी है वो लोअर हो गई पहले वाले मॉलिक्यूल से, ओके, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो डेफिनेटली इसके अंदर से कोई पॉजिटिव पार्टिकल को आप नहीं निकल पाओगे, क्योंकि इसके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, तो आप पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज H+ को निकाल नहीं पाओगे, ओके। तो ये रिएक्शन आपकी स्लो होगी कंपेयर टू पहले वाले स्टेप की, और थर्ड जो स्टेप है वो फर्दर स्लो होगा कंपेयर टू सेकंड वाले स्टेप से। तो कुल मिला के द रिलेटिव वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट इज क्या रहेगी, K1 आपका हाई रहेगा कंपेयर टू K2 एंड K2 इज हाई रहेगा कंपेयर टू K3, मीन्स K3 जो है सबसे लो रहने वाला है आपका। द ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट इज गिवन बाय फॉलोइंग रिलेशन, कैपिटल K मीन्स पूरे सिस्टम पूरे सिंगल स्टेप की अगर मैं बात करूं तो पूरे सिंगल इस प्रोसेस के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो कैपिटल के वो थ्री सक्सेसिव स्टेप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, मींस K1 इंटू K2 इंटू K3, थ्री जो अलग अलग स्टेप है सक्सेसिव स्टेप है उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीप्लाई के बराबर। द हायर ऑर्डर आयोनाइजेशन कांस्टेंट आर स्मॉलर, मींस जो हायर ऑर्डर आयोनाइजेशन कांस्टेंट है K3 वो स्मॉलर है K2 से और K2 स्मॉलर है K1 से, तो यही बोल रहा है कि हायर ऑर्डर आयोनाइजेशन कांस्टेंट आर स्मॉलर देन लोअर ऑर्डर आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ये क्यों होता है, दिस इज बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन फ्रॉम नेगेटिव आयन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन को आप नेगेटिवली आयन से रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। अब हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, तो हो सकता है कि भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उसको इफेक्ट करती है, साइज ऑफ द आइटम इफेक्ट करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द आइटम इफेक्ट करता है, तो ये सारे फैक्टर वन बाय वन हम देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कब कहेंगे, जब वो फुली डिसोसिएट हो जाता है, फुली आयोनाइज हो जाता है, यानी कि एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन 100% है। कोई एसिड वीक एसिड कब है, जब उसका कुछ पोर्शन ही डिसोसिएट हो पाता है या स्मॉल अमाउंट ऑफ द एसिड ही वाटर में डिसोसिएट हो पाता है, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ एंड पोलरिटी ऑफ H bond A bond के ऊपर डिपेंड करते हैं कि भाई HA bond
जितनी इजीली डिसोसिएट होगा वो एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा. द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ एंड पोलरिटी ऑफ एच ए बॉन्ड. अब इस एच ए बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी पोलरिटी कितनी है, ठीक है. इन जनरल व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ एच ए बॉन्ड डिक्रीजेज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑल्सो डिक्रीजेज. अगर आपकी एच और ए के बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर आपका डिक्रीज हो रहा है, मीन्स डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, एनर्जी भी आपको कम रिक्वायर्ड रहेगी. और एनर्जी कम रिक्वायर्ड रहेगी तो ये इजिली आपके ब्रेक होंगे, इजिली ब्रेक होंगे, तो जो एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी. ओके, तो एच ए बिकम ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है. तो ज्यादा डिसोसिएट हो पाएंगे, इजिली ब्रेकअप और ज्यादा डिसोसिएट हो रहे हैं, तो एच ए स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा. बट ऑन द अदर हैंड व्हेन एच ए बॉन्ड बिकम मोर पोलर, और ये भी क्या हो सकते हैं, ज्यादा पोलर भी हो रहा है. अगर एच और ए के अंदर ए की इलेक्ट्रॉन एबिलिटी अगर ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो एच प्लस गिव अप करने की टेंडेंसी बढ़ेगी. तो ये बोल रहा है कि एच ए बॉन्ड बिकम मोर पोलर लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम एच एंड ए इंक्रीजेस. ओके, एच और ए के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ई एन डिफरेंस अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, तो कोई भी मॉलिक्यूल से एच और ए डिसोसिएट होने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी. इंक्रीजेस चार्ज सेपरेशन ऑकर्स, तो इस कंडीशन में चार्ज सेपरेट होंगे. एच और ए के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो वो किस में सेपरेट होगा, एच प्लस में, और ए नेगेटिव के अंदर सेपरेट होगा. मींस चार्ज सेपरेशन ऑकर, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बिकम इजायर, देयर बाय इंक्रीजिंग द एसिडिटी. और इसका जस्ट अपोजिट क्या रहेगा, व्हाइल कंपेयरिंग एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी एक ही ग्रुप के अंदर के सारे, यानी सेम ग्रुप कि अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनकी हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बनेंगे, उन कंपाउंड की अगर एसिडिक स्ट्रेंथ हम कंपेयर करें तो क्या होगा, वो हम चेक करने वाले हैं. व्हाइल कंपेयरिंग एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, एच ए स्ट्रेंथ इज मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग एसिडिटी देन. आपके जो एच ए स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वो मोर इंपॉर्टेंट रहेगा जब हम सेम ग्रुप के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं. इट्स पोलर नेचर, देखिए अब हो क्या रहा है वो भी जस्ट हम समझ लेंगे. मैं कोई ग्रुप की बात करता हूं, अब हम ग्रुप नंबर 17 लेते हैं. कौन सा 17 ग्रुप नंबर लेते, उसके अंदर कौन कौन से एटम्स रहते हैं, लाइक फिर कल बाहर आई आंटी, मीन्स फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन एवडिन, ये सारे ग्रुप 17 के एटम्स है. और अप टू डाउन जाने पर इनके साइज क्या होंगे, इंक्रीज हो गए. मीन्स फ्लोरिन अगर आपका इतना बड़ा है तो क्लोरीन इससे थोड़ा बड़ा, ब्रोमीन इससे बड़ा, और आयोडीन इससे ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है. अब साइज अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो अगर ये फ्लोरीन एच के साथ कनेक्शन में है, लाइक एच की साइज तो हर एक एटम में सेम रहेगी, ठीक है. तो इस कंडीशन में अगर हम मैं चेक करूं तो फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कम है, क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ ज्यादा, ब्रोमीन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ और ज्यादा, और आयोडीन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा. तो जो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और वो बॉन्ड आपका इजीली ब्रेक होगा. इजीली ब्रेक हो रहा होगा मींस उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है. इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एज द साइज ऑफ ए इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, एच ए बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज. तो क्या होगा, अगर साइज इंक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, सो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज. तो अप टू डाउन जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा. इसलिए जो एच आई है, हाइड्रोजन का आयोडीन के साथ जो मॉलिक्यूल है एच आई, इज ग्रेटर देन एच बी आर, इज ग्रेटर देन एच सी एल, इज ग्रेटर देन एच एफ, मीन सबसे मोर एसिडिक प्रॉपर्टी किसकी है, ग्रुप के अंदर एच आई की, ओके. और सबसे लो एच एफ की, क्यों, क्योंकि एच एफ के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो स्मॉल है, उसमें अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, जबकि एच आई की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, उसमें अट्रैक्शन लो है, उसकी स्ट्रेंथ कम है, तो उसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड है. बट अगर मैं पीरियोडिक टेबल में जो मुझे एसिडिक ट्रेंड देखना है वो अगर मैं सेम पीरियड के अंदर चेक करूं, ठीक है, अब अगर मुझे ट्रेंड चेक करना है सेम पीरियड के अंदर, व्हाइल
कंपेयरिंग द एलिमेंट ऑफ द सेम पीरियड, तो सेम पीरियड में क्या होगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं सेम पीरियड, लाइक सेकेंड पीरियड की बात करता हूं, सेकेंड पीरियड की बात करूंगा तो कौन कौन से एलिमेंट आता है सेकेंड पीरियड के अंदर, लाइक बोरॉन से स्टार्ट करो तो बोरॉन, बोरॉन के बाद क्या गया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये वाले एलिमेंट आते हैं. अब इन एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन को अगर मैं ऐड करूं तो बी के साथ हाइड्रोजन ऐड करूं तो मेरे पास रहेगा BH3, सी के साथ हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो CH4, एन के साथ NH3, ओ के साथ H2O और यहां पे F आएगा, नॉट Cl नहीं रहेगा, F रहेगा, O के बाद आएगा F, ओके, और F के साथ HF. तो इसमें देखो कार्बन से फ्लोरीन की ओर जाने में लेफ्ट टू राइट जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बढ़ रही है, तो मींस फ्लोरीन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज हो रही है. बट कार्बन और हाइड्रोजन की अगर मैं कार्बन की बात करूं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इंक्रीजेज, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज होगी तो पोलरिटी भी इंक्रीज होगी. क्या होगी, लाइक एच एफ बॉन्ड में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आपके किस ओर, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किस ओर रहेंगे, एफ की ओर, तो सेपरेशन ऑफ आयंस आपके बढ़ेंगे, मिस एच और एफ के अंदर सेपरेशन बढ़ेगा तो एच एफ के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगे. बट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन डिफरेंस कम है तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसके बीच में ही रहेंगे, सेपरेशन नहीं होगा, पोलरिटी उतनी इसमें हो नहीं पाएगी, तो डिसोसिएट ये इजिली नहीं हो पाएंगे. तो ये इसका ट्रेंड है इन द पीरियड, और ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था एसिडिक ट्रेंड था इन अ ग्रुप. तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकल रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर इज सेम एंड बिकम इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ H3O+ आयन, कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो सेम होती है एक्वेस कंडीशन में, किसके सेम, H3O+ की स्ट्रेंथ के सेम होती है. दिस इज कॉल्ड लेवलिंग इफेक्ट, क्या कहलाता है ये, लेवलिंग इफेक्ट. सेकेंड, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर आपको फाइंड आउट करनी है एसिड की तो हमें वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट लेना पड़ता है जिसके अंदर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं. वाटर में हर एक कंपाउंड की या हर एक स्ट्रॉन्ग एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो सेम आती है, किसके बराबर आती है, H3O+ की स्ट्रेंथ के बराबर आती है. तो वो है लाइक ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर अगर मैं चेक करूं एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी, HClO4 की, तो वो सबसे ज्यादा रहेगी कंपेयर टू H3O+ के. ओके, तो HClO4 ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इज ग्रेटर देन HI, इज ग्रेटर देन HBr, इज ग्रेटर देन H2SO4, इज ग्रेटर देन HCl, इज ग्रेटर देन HNO3. एंड फास्फोरिक एसिड H3PO4 इज ग्रेटर देन HF, इज ग्रेटर देन एसिडिक एसिड, इज ग्रेटर देन कार्बोनिक एसिड, इज ग्रेटर देन H2S, इज ग्रेटर देन HCN. ओके, तो ये इतने सारे कंसेप्ट है. इसके बाद हमें स्टडी करना रहता है, जस्ट इसके बाद जो टॉपिक हमारे पास इंट्रोड्यूस होता है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ सम एसिड्स. ओके, एक दूसरे से कंपेयर करके हम एसिडिक स्ट्रेंथ को बता रहे हैं, वो उसी को हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ, की भाई हम एक को रिलेट कर रहे हैं दूसरे एसिड की स्ट्रेंथ को बताने के लिए. तो हमारे पास एसिड को हम ग्रुप वाइज सेपरेट कर सकते हैं, लाइक ऑक्सी एसिड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, ओके, लाइक हाइड्राइड, लाइक कार्बनिक एसिड, लाइक और भी अदर से. ऑक्सी एसिड में नॉन मेटल के साथ OH बॉन्ड होगा, लाइक कोई भी नॉन मेटल, लाइक आपके पास नॉन मेटल का एसिड था HClO4, ओके, तो इसमें CLO देन H जुड़ा हुआ है, और जो आपका H+ निकलेगा वो यहां से H+ निकलेगा, Cl बॉन्ड O नेगेटिव और फिर H+ आपका डिसोसिएट होगा. तो होता है क्या है कि केस फर्स्ट व्हेन नॉन मेटल आर डिफरेंट, कि दो अलग अलग एसिड के नॉन मेटल वाला पोर्शन डिफरेंट है, एक के अंदर Cl है और हो सकता है एक के अंदर P है. देखो एक HClO4 है और एक H3PO4 है, इसमें डिफरेंट क्या है, नॉन मेटल Cl और P डिफरेंट है. उस कंडीशन में एसिडिक कैरेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल. तो क्लोरीन एंड फास्फोरस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की, तो डेफिनेटली जो आपका ऊपर वाला एसिड है
ऊपर वाला कौन सा एसिड है? HClO4, वो स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू H3PO4। सेकेंड, वेन नॉन मेटल आर सिमिलर, अगर आपका नॉन मेटल सिमिलर है, लाइक एक ये भी हो सकता है HClO2 और HClO4, इन दोनों में मोर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? तो जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर जिसकी ज्यादा है वो मोर स्ट्रॉन्ग होगा। तो HClO4 में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर या ज्यादा रहती है कंपेयर टू HClO2 में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर से। तो डेफिनेटली एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन नंबर पे। सेकेंड, इन हाइड्राइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज होती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपका इंक्रीज होता है। ओके, थर्ड है इन कार्बनिक एसिड, कार्बनिक एसिड किस टाइप के होंगे? लाइक RCOOH टाइप के कार्बनिक एसिड होंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ आपके डिपेंड करती है माइनस आई इफेक्ट के ऊपर। अब ये जो माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट है वो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें पढ़ा था। तो माइनस आई इफेक्ट मीन्स ऐसे एल्किल ग्रुप या ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, वो ग्रुप के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे और इसके कारण उसकी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगी। अगर कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप उसके साथ अटैच है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मॉलिक्यूल के अंदर बढ़ाएंगे, तो उस कंडीशन में H प्लस गिव करने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी और एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिड। अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखूं तो जो भी एसिडिक कैरेक्टर है वो डिपेंड करता है उसके H प्लस N की कंसेंट्रेशन पे। मीन्स एसिडिक कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू H प्लस N कंसेंट्रेशन एंड एसिडिक कैरेक्टर आल्सो प्रोपोर्शनल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल रहेगा? मीन्स एसिडिक कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड। ओके, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka। इसी टाइप से अगर मैं बेस की बात करूं, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ सम बेसिस। अब बेस कौन से होंगे? हो सकता है कि जो आपका बेस है वो मेटल से अटैच्ड हो, मेटल OH लाइक MOH, एग्जांपल लाइक NaOH, लाइक CaOH ट्वाइस। ओके, तो इस कंडीशन में जो बेसिक कैरेक्टर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल पे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल हाई है तो आपका जो बेसिक कैरेक्टर है वो लो आएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है तो बेसिक कैरेक्टर हाई आएगा। सेकंड है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन। बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/-I इफेक्ट। ओके, प्लस आई इफेक्ट के प्रोपोर्शनल होता है बट माइनस आई इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि किसी एमीन के अंदर CH3 के दो ग्रुप है तो वो मोर बेसिक होता है कंपेयर टू अगर उसके अंदर एक CH3 है और जिसमें 3CH3 है उससे भी ज्यादा बेसिक रहता है आपका 2CH3 वाला ग्रुप। ओके, एंड दिस वन इज द मोर बेसिक देन NH3। और अगर मैं C2H5 ट्वाइस की बात करूं तो यही ट्रेंड होता है कि C2H5 ट्वाइस NH is greater than C2H5, NH2 is greater than NH3 and this is greater than C2H5 3N। अब ये differentiate क्यों हो गया, इनका order change क्यों हो गया? वो होता है आपका repulsion effect के कारण। अब repulsion effect आप higher classes के अंदर study करोगे कि why NH3 is more basic than C2H5 3N and why CH3 thrice N is less more basic than NH3। तो ये आप रिपल्सन इफेक्ट के अंदर भी पढ़ सकते हो इन हायर क्लासेस। एक्सप्लेनेशन ऑफ मैथमेटिकल बेसिस या मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बेस, ये वर्ड होना चाहिए मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बेस। तो बेसिक कैरेक्टर जो है वो डिपेंडेंट होता है आपका कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, और बेसिक कैरेक्टर और किसके डिपेंडेंट होता है? इक्विलिब्रियम आयन, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑफ द बेस। तो वो रहेगा आपका अंडर रूट, ये रहता है आपका प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट KB। ओके, तो दो चीजों के ऊपर इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन रहता है आपका किसी बेस का। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एंड pH ऑफ देयर सॉल्यूशन। ओके, ये टॉपिक आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अलग से पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट है तो फ्रेश माइंड से हम इसे स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।